गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि आकलन वर्कशीट नंबर 15 है, यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 है, और आज यानी 24 जनवरी 2022 के लिए है। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसे एक एक करके प्रॉपर वे में समझते हैं। यह आकलन कार्यपत्रक 20 अंकों का होगा। प्रश्न एक में दो दो अंक के 6 प्रश्न है, यानी 2 मार्क्स के है प्रश्न 1 में, ठीक है, जो कि 6 प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 2 में 3 अंक के हैं, और प्रश्न 3 के जो 2 भाग है, ए भाग और बी भाग, 2 अंक का है। ठीक है, और साथ साथ में डियर स्टूडेंट, चलिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। आप खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। राइट, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चालक में 1 मिनट में 150 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसे प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन कारकों की सूची बनाइए जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और एक विद्युत धारा परिपथ में ये 5 ओम 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते, तो दोनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की तुलना करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आपको जो है ना सॉल्यूशंस करके अच्छे से मैं बताता हूँ। और आप लोग डियर स्टूडेंट करेंगे क्या, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है। ठीक है, और साथ साथ में फ्री क्लास भी कब देता रहता हूँ, ठीक है, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट से। ठीक है, साथ साथ में ये क्वेश्चन नंबर 3rd है, 3rd का ये 3ों पार्ट है। चलिए, तो इस सभी प्रश्न को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1 था, किसी यानी चालक में 1 मिनट में 150 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो ये प्रवाहित विद्युत धारा हमें निकालना है, तो चलिए हम इसे निकालते हैं। देखिए, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो Q इक्वल टू 150 कूलाम हो गया। समय को T से करते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। तो विद्युत धारा को I से करते, यानी विद्युत को I से करते, I यानी करंट होता है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है, यानी विद्युत इक्वल टू चार्ज अपॉन में समय होता है, तो 150 ठीक है कूलाम है, और समय कितना 60 सेकेंड था, इनको काट देंगे 1 0 से 1 0, और 6 से 15 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पियर होगा। ठीक है, इसका आंसर, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उन कारकों की सूची बनाएं जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी उन कारकों की जो सूची बनाना जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और ये VVI क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और ये जितने भी असेसमेंट ये सारे VVI क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, अर्थात जो है ना चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, यानी चालक की लंबाई जितनी होगी उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अर्थात चालक की लंबाई ये जितनी होगी ना ये लंबाई, उतना ही प्रतिरोध जो है ना क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात विद्युत बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है ना प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तो यहाँ पे विद्युत भी घटेगा। ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखिए, चालक की मोटाई पर निर्भर करती है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी चालक की मोटाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा, यानी चालक की मोटाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध मोटाई अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक ही है डियर स्टूडेंट, यानी आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, अर्थात इसका मतलब ये हो गया, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका जो है ना क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये फिर रेजिस्टेंस ये घट रहा है तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ना क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना है आपको। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे से डियर स्टूडेंट ये कंसेप्ट को आप समझिए, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना है। चालक पदार्थ की प्रकृति क्या है, अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, जो कि उनकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी P पर निर्भर करता है, प्रतिरोध यानी, तो ये जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, R जो है ना क्या होता है, ये 1/A का होता है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं जो है ना ये रो होता है, ये क्या है, ये आपका जो है ना रो है। ठीक है, रो 1/A, तो रो एक स्थिरांक है जो कि परिचालकता करते हैं, और यह उत्तर
काफ़ी मदद किया है आपको, ठीक है, तो इसलिए करके मैंने लिख दिया, यह काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सी है, एक विद्युत परिपथ में 5 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की तुलना करें, ठीक है, तो इसको तुलना करना है। तो देखिए श्रृंखला संयोजन में धारा बनी रहती है, स्थिर है, इसीलिए दोनों प्रतिरोध में धारा समान रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर डी, जूल का तापन नियम लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक भी लिखिए। तो जूल का तापन नियम काफ़ी अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है, और ये ई भी देखेंगे और एफ भी देखेंगे एक साथ। चलिए अब देखिए, तो डी का है जूल का तापन नियम, इसका गणितीय व्यंजक भी लिखना। तो इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के समानुपाती होती है और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है और तापन पर, जिसका एग्जाम्पल है तापन प्रभाव, हीटर, प्रेस आदि वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है, ठीक है। अब विद्युत शक्ति, इसी में जो विद्युत शक्ति यानी इसका गणितीय भी बनता है, ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये पावर इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये पावर हो गया, आई रेजिस्टेंस हो गया, और आर रेजिस्टेंस हो गया, आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, और आई करंट हो गया, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन में आर लिख सकते हैं। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट होता है, जो कि ये भी वीवीआई है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 वॉट वो और 1 एम्पियर वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलो वॉट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ना, आप यहाँ तक ही आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए तो यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लिख रहे हैं तो ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर ई है, 220 वोल्ट विभव पर 10 एम्पियर विद्युत धारा के 88 ओम के प्रति कितने प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं। तो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में होने का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, 1/r आर इक्वल टू क्या होता है, 1/r आर1 प्लस 1/r आर2 प्लस 1/r आर3, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई आर, तो इसमें जब फॉर्मूले पे जब आप पुट करेंगे वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे जो है ना डियर स्टूडेंट, V हमारा 200 है, ठीक है, 220 है, ठीक है, कितने 220 है, 220 वोल्ट, और ये क्या है यहाँ पे हमारा 10, तो ये आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये टोटल, ये जो है ना रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी 10 से 10 तो 22 ओम हो जाएगा, ठीक है, कितना 22 ओम हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ देयरफॉर की जगह आप लिख सकते इसलिए, ठीक है, इसलिए 1/22 नंबर ऑफ द 88 रजिस्टर्स का आप लिख सकते प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, प्रतिरोध, रजिस्टर्स की जगह हिंदी में प्रतिरोध लिख लीजिए, 1/80 हो गया। तो माना कि 88 ओम, मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लीजिए, माना कि 88 ओम रजिस्टर्स यानी प्रतिरोध को एक्स मान लेते हैं, तो तब 1/22 यानी 1/22 इक्वल टू अब 1/88 होता है, तो x का वैल्यू यानी ऐसे लिख सकते 1/22 इक्वल टू 1/88 होता है, तो इसको जो है ना 22 चौक 84, तो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया, ठीक है। इसलिए करके 4 रेजिस्टेंस है ऑफ 88 ओम, यानी 4 रेजिस्टेंस होगा 88 ओम का पैरेलल में होगा, जो कि कैरी करेगा 10 एम्पियर ऑन द 220 वोल्ट लाइन वे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 4 ओम 8 ओम और 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त उच्चतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। उच्चतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो श्रेणी क्रम में तो हम लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो इसको जब ऐड करेंगे 4, 8, 12, 24, तो ये 48 ओम हो जाएगा टोटल आपका, राइट। इसके बाद समांतर क्रम में आप जो है ना 1/r आर इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो ये टोटल 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, यानी हमने अभी बताया था फार्मूला R इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2
ऐसे ही आ गया और चला जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो है ना रेजिस्टेंस लगा रहेगा उतना हम करके हम ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखते देखिए यहाँ एक परिपथ आरेख बनाइए जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी, 5 जो है ना ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध है और एक कुंजी सभी श्रेणी क्रम में हो। तो परिपथ में कुल विद्युत धारा तथा 8 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना करना है। तो चलिए इसे हम गणना करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको बनाना था, तो यहाँ पे हमने की लगाया है, ठीक है। ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट 6 वोल्ट हो गया, बताया गया 6 वोल्ट का करने के लिए। 5 ओम तो ये देखिए 5 ओम, 8 ओम तो ये 8 ओम हो गया, 12 ओम तो ये 12 ओम हो गया, ठीक है। और ये 8 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना भी करना है, तो ये हमने बना दिया है, ठीक है। इसको आप आसानी से बना लीजिए, ठीक है। और साथ साथ में देखिए रेजिस्टेंस यानी सीरीज में होता है, यानी श्रेणी क्रम में होता है, तो R1+R2+R3 करके ऐसे से जाते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ क्या, R1 5 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम और वोल्ट इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में है तो इस सबको प्लस करेंगे तो 25 ओम हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R, तो I इक्वल टू 6/25, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा जो I है यानी विद्युत है वो 0.24 ओम है, ये क्या 0.24 ओम है, कितना 0.24 ओम है। तो क्या हो गया, 0.8 ओम के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो गया 0.24 × 8, तो चूंकि I स्थिर रहता है तो 1.92 वोल्ट आंसर श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। तो I यानी जो विद्युत है वो श्रेणी क्रम में होता है हमेशा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का A पहले देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, 3 समान बल्ब B1, B2 तथा B3 चित्र में दर्शाया अनुसार संयोजित है। जब तीनों बल्ब चमकते हैं तो एमीटर A का पठन 3A होता है। तो यदि बल्ब B1 फ्यूज हो जाए तो अन्य 2 बल्बों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये देखिए अगर B1 फ्यूज हो जाता है तो उस पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्य 2 बल्बों की चमक जो बनी रहेगी, चूंकि बल्ब का चमकना शक्ति पर है और दूसरे का संभावित अंतर और प्रतिरोध 2 बल्ब समान रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जो है ना यही में सेकेंड क्वेश्चन है, यदि बल्ब B2 फ्यूज हो जाता है तो A1, A2, A3 और A के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, ये देखिए जब समांतर क्रम में जुड़ी होता है तब पूरा प्रतिरोध होगा, इसमें इस तरह से हम इसे करेंगे, ठीक है। 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 और डैश डैश आगे होगा तो आगे जाएगा, इसलिए प्रतिरोध समान है, ठीक है। तो R′ = क्या हो, R/3 हो जाएगा, ओम्स के नियम के अनुसार V = IR होता है, ठीक है। तो R = 4 यानी ये 4.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए B2 फ्यूज हो जाएगा और सो B1 और B3 समांतर क्रम में होगा, ठीक है। और कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में 1/R′ = 2/R होता है, तो आपको ये समझना R′ = 4.5/2 ओम, तो I = V/R, तो I = 2 × 4.5/4.5, तो इसको जब कट करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये इनसे ये कट हो जाएगा, तो I यानी विद्युत = 2 एम्पियर होगा, कितना 2 एम्पियर प्रवाहित होगा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जब तीनों बल्ब एक साथ चमकते हैं तो परिपथ में कितनी शक्ति का क्षय होगा, जब तीनों बल्ब एक साथ चमकेगा तो कितना शक्ति लगेगा ये बताना है। तो देखिए तीनों बल्ब जब ऊर्जा तीनों बल्ब में बढ़ेगा तो P = I यानी Power = V × I होता है, तो P = 4.3, एक का है और ये 2, 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13.5 वाट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। लगता है डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में आप सबके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो ये हमारा हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, इसे जूल में क्यों निरूपित करते हैं, यानी इसे जूल में क्यों रखते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई की इसे जूल में ही क्यों निरूपित करते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो जो जूल का प्रयोग न करके किलोवाट का उपयोग करते हैं, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह आंशिक मात्रा घंटा है। ठीक है, यानी कह सकते किलो वॉट आवर है इसका। ठीक है, हम जानते हैं ये सबको। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।